So dear students, welcome again, and uh, I hope all of you will be fine and doing good. Here we are discussing the short story, Bully Beke Abbas from your class 10th Tulip English by JK Boos. And in our previous videos, we have discussed a part of the text of this very lesson. And in the lesson, we have seen that the writer have talked about uh, the contemporary social issues of his times. And specifically, he is talking about the feminism. देखिए पिछली वीडियोस में हमने इस लेसन का कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया है और हमने देख लिया कि राइटर जो बात कर रहा है वो यहाँ पे जो उसके कंटेम्पोरिरी जो उसके टाइम में जो कुछ सामाजिक इश्यूज थे खासकर राइटर यहाँ पे जो फेमिनिज्म है जो औरतों के हकूक़ हैं उनके बारे में बात कर रहा है तो लेसन को समझने के लिए आप इसके जो पिछली वीडियोस हैं इस स्टोरी को समझने के लिए आप इसके पिछली वीडियोस ज़रूर देखिए और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें लाइक करें और अपनी व्यू दे तो यहाँ तक हमने देख लिया कि इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं जो प्रोटोकोनिस्ट हैं इस स्टोरी में दैट इज़ बोली उसकी शादी हो रही है बिशंबरनाथ के साथ एक ऐसे आदमी के साथ जो उससे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा है जो इसकी बाप की उम्र का है लेकिन फाइनली जो इसके पेरेंट्स हैं वो राज़ी हो गए हैं इस शादी के लिए एंड वन द ऑस्पिशस मोमेंट केम द प्रीस्ट सेड तो जब वो मौका आ जाता है जब दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को वो हार पहनाते हैं माला पहनाते हैं और फिर इस से उनकी शादी हो जाती है या उनको वो हवन के उस आग के इर्द गिर्द सात चक्कर लगाने होते हैं वैन द ऑस्पिशस मोमेंट केम जैसे ही वो मौका वो मूर्त वो वक्त आ गया द तो प्रीस्ट जो पादरी था जो पंडित था उसने कहा ब्रिंग द ब्राइड जो दुल्हन है उसको यहां पर लेके आओ बोली रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वॉल टू ब्राइड्स प्लेस नियर द सक्रेड फायर जो बोली हैं इसने एक वो लाल रंग का एक रिशम का जो दुल्हन के लिए वो ड्रेस होता है वैसे कपड़े पहने थे वॉज लेट टू द ब्राइड प्लेस उसको जो दुल्हे के साथ में ले जाया गया नियर द सक्रेड फायर जहाँ पे वो आग जो वो होती है बीच में जिसके इर्द गिर्द फिर साथ चक्कर लगाने होते हैं जो हवन होता है गॉर्लैंड द ब्राइड वन ऑफ द फ्रेंड्स प्रॉम्पटेड बिशंबरनाथ जो बिशंबरनाथ हैं उसके किसी दोस्त ने उससे इशारा कहा कि गार्लैंड द ब्राइड आप दुल्हन को जो माला पहनाओ द द ब्राइड ब्राइड ग्रूम ग्रूम लिफ्टेड गॉर्ड ऑफ येलो मैरी गोल्ड जो ब्राइड ग्रूम है जो है उसने जो ये पीले रंग के जो ये मैरी गोल्ड्स थे जो ये माला थी इन पीले रंग के फूलों की तो उसने वो उठाई ए वुमेन स्लिपर बैग दिल्क सिल्कन व्हील फ्राम द ब्राइडस फेस लेकिन उसी दम किसी औरत ने जो दुल्हन के जो ऊपर जो घूंघट होता है उसको पीछे से खींच लिया विशंबर टू के कोई ग्लैंस विशंबर ने जो जल्दी से एक नज़र डाली दुल्हन पे, द गार्लैंड रिमेन पॉइज इन इज हैंड्स और फिर जो गार्लैंड है वो उसके हाथों में वैसे ही रह गया वो जैसे रुक सा गया जैसे वो पाज सा हो गया जैसे वो किसी सोच में पड़ गया द ब्राइड स्लोरी down द व्हील और हर फेस जो ये दुल्हन है इसने आराम से जो ये व्हील हैं जो ये घूँघट हैं पर्दा हैं या साड़ी है वो फिर से अपने चेहरे पर डाल दी हैव यू सीन हर सैड बिशंबर टू द फ्रेंड to हिम बिशंबर जो था इसने अपने दोस्त से कहा कि आपने इसे देखा दुल्हन को देखा शी हेज़ पॉक मार्कस ऑनअर फेस उसके चेहरे पे चीचक के दाग हैं इसके चेहरे पे तो चीचक के निशान हैं सो वट यू आर नॉट यंग इधर जो इसका फ्रेंड है उसने रिप्लाई में कहा तो इसमें क्या मसला है आप भी कोई जवान तो नहीं हो आप भी अभी एक उधेड़ उम्र एक जो एडल्ट या एक बूढ़े किस्म के इंसान हो मे बी बट इफ़ आई एम टू मैर हर हर फ़ादर मास्ट गन्पीज़ बिशंबर ने कहा कि शायद मैं भी उम्र में ज़्यादा हूँ लेकिन अगर मुझे इससे शादी करनी है तो इसके फादर को मुझे पाँच हज़ार रुपया देना पड़ेगा रामलाल लाल वेंट एंड प्लेस डि टर्बन हिज़ ऑनर एट बिशंबर फिर जो ये रामलाल था जो बोली के जो पिताजी थे जो उनके फादर थे वो गए और इसने जो अपना जो टर्बन होता है जो वो दस्तार होता है वो बिशंबर के पाओं पे रखा डो नाट ह्यूमिलेट मी सो इसने कहा कि आप मुझे ऐसे इस शादी के मौके पे शर्मिंदा ना करो टेक टू थाउजेंड टू रुपीज़ आप दो हज़ार रुपया ले लो और मामला यहीं पर रफा दफ़ा कर दो इसको यहीं पर ख़त्म कर दो रामलाल एंड नो फाइव थाउजेंड टू और वी गो बैक लेकिन जो ये बिशंबर था इसने ज़िद की वो ही रिमेनर एलिमेंट ऑन फाइव थाउज़ेंड टू रुपीज़ उसने कहा कि नहीं आपको मुझे पाँच हज़ार तो देने ही देने हैं और वी गो बैक यहाँ वापस चले जाए कीप योर डाटर आप अपनी बेटी को ऐसे ही रखो बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़ इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज जो ये रामलाल था इसने बिशंबर से कहा थोड़ी बहुत नरमी बरत लो थोड़े थोड़ी बहुत इसमें एक मुझे एक रियायत दे दो प्लीज़ मेहरबानी करके इफ़ यू गो बैक अगर आप ऐसे ही चले गए आई कैन न्या आवर शो में फेस इन विलेज मैं गाँव में किसी को अपना चेहरा अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा देन आउट विद फाइव थाउजेंड तो इस पर जो बिशम बन हैं उसने कहा कि फिर आप जो हैं पाँच हज़ार रुपये निकाल दो पाँच हज़ार रुपये दे दो टेयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस जो रामलाल हैं इसके चेहरे पे आंसू आ गए उसके आंसू उसके चेहरे पे आ गए रामलाल वेंटीन वो अंदर चला गया उपनदस से उसने वहाँ पे जो तिजोरी होती है अलमारी होती है वो खोली एंड काउंटेड आउट नोट्स और उसमें से पैसे गिनना शुरू कर दिए ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम फीट और फिर उसने वो पाँच की जो बंडल होती है कटरी होती है वो इस ब्राइड ग्रूम दुल्हे के पहा में रख लिए ऑन बिशम्बर्स ग्रीडी फेस अपियड ए ट्रम्पेंट सुमाइल ये जो बिशंबरनाथ था इसके इस लालची इस चेहरे पे एक फ़ातिहाना मुस्कुराहट आ गई जैसे उसने कोई बहुत बड़ी चीज़ फतह की है कामयाबी जैसे उसको मिली है ही हैड गैम्बल उसने एक जुआ खेला एक बाजी लगाई एक सट्टा खेला एंड वन और वो उसने जीत लिया गिव मी द दार्लैंड अब उसने कहा कि अब आप मुझे गार दे दो ही अनाउंसड उसने थोड़ा बहुत ज़ोर से कहा ऐलान के अंदाज में कहा वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिपुड बैक फ्राम द ब्राइड फेस एक बार फिर इस दुल्हन के चेहरे से जो ये व्हील है जो ये पर्दा है ये फिर से हट गया बट दिस टाइम हर आइज वायर नॉट डाउन कास्ट लेकिन इस बार वो नीचे की तरफ नहीं देख रही थी शी वॉज लुकिंग अप वो ऊपर की तरफ देख रही थी डायरेक्टली देख रही थी लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रॉस्पेक्ट टू हस्बेंड वो डायरेक्टली अपने इस जो इसका शौहर बनने वाला यह शख्स था बिशंबरनाथ उसकी आंखों में देख रही थी एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नोर हेट ऑनली कंटेम्प्ट और उसकी आंखों में न तो गुस्सा ही था और न कोई नफ़रत थी बट ओनली कंटेम्प्ट बल्कि वो हकारत बरी नज़रों से इस बिशंबर को देख रही थी क्योंकि वो जान गई थी कि ये कितना नीच और घटिया इंसान है बिशम्बर रेज द गार्ल टू प्लेस इट अराउंड बिशंबर ने ये जो माला है ये उठाई और अब वो दुल्हन के गले में ये डालने वाला था बिफोर ही कुड डू सो इससे पहले कि वो ये करता हैंड स्ट्रक हैंड्रक लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइट बोली का जो हाथ है वो एक बिजली की तरह एक कड़क की तरह उठा एंड द

पिताजी उसने अपने बाप से कहा सैड बोली इन अ कलियर लाउड वॉयस बोली ने बिल्कुल साफ़ और ज़ोरदार आवाज़ में कहा एंड हर फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर्स रिलेशन एंड नेबर्स वेर टू हेयर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर और उसकी जो फैमिली मेम्बर्स थे वो बड़े हैरान हो गए बड़े ही सरप्राइज हो गए वैन दो हर स्टार्ट वैन दे सो हर टॉकिंग इन अ क्लियर लाउड वॉयस जब वो देख रहे थे जो तो पिताजी हैं माँ हैं बहनें भाई हैं या दूसरे रिश्तेदार हैं और जो हमसाएँ हैं वो रहे थे वो सरप्राइज हो रहे थे कि वो बिल्कुल आ, जो बड़ी साफ अंदाज में बात कर रहे हैं स्टैमर, थोड़ी बहुत भी हकलाहट नहीं है पिताजी उसने फिर से कहा टेक बैक योर मनी आप अपने पैसे उठाओ आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली और राम लाल थंडर स्टक राम लाल जो था वो बड़ा शॉक हो गया सरप्राइज हो गया द गेस्ट इज बिगिंग टू जो वहाँ पर मेहमान आए थे उन्होंने वो बातें करना शुरू कर दी सो so शेमलेस वो कह रहे थे कि ये बड़ी बेशन लड़की है सो अगली एक तो बदशकल भी है बदसूरत भी है एंड सो शेमलेस और ऊपर से बेशर्म भी है बोली आर यू क्रेजी शाउटेड राम लाल राम लाल ने कहा बोली से कि आर यू क्रेजी आप पागल तो नहीं हुए हो यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली आप अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पे शर्मिंदा करना चाहते हो हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत हमारी इज़्ज़त का भी कुछ ख्याल करो कुछ एहसास करो फॉर द सेक ऑफ़ योर इज्जत सेल्थ बोली आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन बोली ने कहा कि आपकी इज़्ज़त के लिए ही मैं इस लंगड़े आदमी से शादी करने पर तैयार हो गई आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस ओल्ड मैन तो उसने कहा कि आपकी के लिए ही मैं इस लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटमटेबल कवाड एज़ माई हजबेंड लेकिन मैं ऐसे नीच घटिया लालची और हकीर आदमी को अपना शौहर नहीं बनाऊंगी आई वोंट मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी आई वोंट मैं नहीं करूँगी आई वोंट मैं बिल्कुल ही नहीं करूँगी वट अ शेमलेस गर्ल जो वहाँ पे लोग थे किसी ने कहा वट अ शेमलेस गर्ल कितनी ही बेशरम औरत हैं वो ऑल था वॉज अ हार्मलेस ढमकाउ सब सोच रहे थे कि ये तो बिल्कुल एक गाय की तरह खामोश है बोली टर्नर वायलेंटली ऑन द ओल्ड वमेन जो बोली हैं वो बड़े गुस्से में उस बूढ़ी औरत की तरफ वो उसने देखा यस आंटी उसने कहा ठीक है आंटी ठीक है जची मोसी यू आर राइट आप ठीक हो यू और are... ऑल थाट आई वॉज अ डम ड्राइविंग गायम का सोच रहे थे कि मैं एक गाय की तरह बिल्कुल खामोश हूँ दैट इज़ वाई यू वांट टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर और इसीलिए आप मुझे इस जंग दिल इंसान इस बेरहम जानवर के हवाले करना चाहते थे बट नाओ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज़ स्पीकिंग लेकिन अब चूँकि ये जो डम कव हैं जो खामोश गाय हैं जो स्टैमरिंग फूल हैं तो अब चूँकि मैंने बातें करना शुरू कर दी है डू यू वॉन्ट टू हेयर मोर आप कुछ और भी सुनना चाहोगे बिशम बरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टड टू गो बैक विद हिज़ पार्टी जो बिशम्बरनाथ हैं वो अपने जो बहरायों के साथ वापस जाने को तैयार हो गया द कन्फ्यूज बैंडस मैन थाट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग जो वहाँ पर वो बैंड बाजे वाले आए थे शादी के मौके पर वो सोच रहे थे कि अब क्या गाए तो उन्होंने फाइनली जो एक क्लोजिंग सॉन्ग होता है जो एंड पे गाया जाता है शादी के एंड पे वो सॉन्ग जो है वो गाना उन्होंने वहाँ पे गाया रामलाल लाल रूट टू द ग्राउंड जो रामलाल हैं वो जमीन पे वैसे ही पड़ा रहा बैठा रहा हिज हैड बोर्ड लो उसका सर नीचे की तरफ था विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम वो बड़ा ही दुख ज्यादा था और बड़ा ही शर्मिंदा था द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन जो उस हवन में वो आग जल रही थी वो थोड़ी बहुत बुझ गई एवरी वन गॉन वहाँ से हर कोई जो मेहमान थे दूसरे लोग थे वो चले गए राम लाल टर्न टू बोली राम लाल फिलबोरी की तरफ आ, उसने देखा एंड सैड और कहा बट वट अबाउट यू नो वन विल एवर मैरी यू नाउ उसने कहा कि अब आपका क्या होगा और कोई भी आपके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा वट शैल वी डू विद यू अब हम आपका क्या करें एंड सुलेखा जो ये सुलेखा थी बोली थी सैड इन अ वॉइस उसने आवाज बड़ी जानदार आवाज में कहा दैट वॉज काम एंड स्टैडी जो बड़ी खामोश और बड़ी ही स्टैडी दैट मीनस वो अभी हकलाई नहीं डोंट यू वरी पिताजी उसने कहा कि पिताजी दैट मीन फादर डोंट यू वरी यू नी नॉट टू वरी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इन ओवर ओल्ड एज आपके बुढ़ापे में आई विल सर्व यू में आपकी खदमत करूंगी एंड मदर और माँ की एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी वायर आई लर्न ट सो मच जहाँ से मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं इजन्ट देट रैम उसने वहाँ जो उसकी मैडम थी वो भी वहाँ पर थी उसने उसे कहा इज दैट राइट मैम क्या ये ठीक नहीं है मैम द टीचर है कॉर्नर जो टीचर हैं वो एक कोने में काफ़ी काफ़ी टाइम से खड़ी थी वाचिंग द ड्रामा वो ये पूरा खेल देख रही थी यस बोली कोर्स उसने कहा ठीक है बोली बेशक एंड इन हर स्माइलिंग आइज उसकी आँखों में एक खुशी थी एक खुशी की चमक थी वाज़ द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फेक्शन उसकी आँखों में एक इतमान था एक सुकून था देट एन आर्टिस्ट फील जो एक आर्टिस्ट एक कलाकार एक हुनरमंद या एक जो कोई आर्टिस्ट uh, होता है पेंटर या जो कोई स्कल्प्टर होता है वो फील करता है वैन कंटम्पलेटिंग द कम्पलीशन ऑफ अर मास्टर पीस जब वो अपने मास्टर पीस अपने शाहकार अपने सबसे बेहतरीन काम को कम्प्लीट मुकम्मल होता देखता है दैट मीनस जो उस्ताद होता है वो असल में एक आर्टिस्ट होता है और स्टूडेंट जो होता है वो uh, या तो वो एक मास्टर पीस बन जाएगा या वैसे ही बेकार रह जाएगा तो यहाँ पे जो ये टीचर हैं इसने अपने स्टूडेंट को एक मास्टरपीस एक बेहतरीन इंसान बनाया है तो इस बात पे इस टीचर को खुशी हो रही है कि जो चीज़ मैं बोली को समझाना चाहती थी दैट मीनस जो स्विक सेंस हैं सोशल सेंस हैं एक शूर है वो बोली में सच में आ गया है तो इस चीज़ पर जो टीचर हैं वो अपने आप में एक सेटिसफेक्शन महसूस कर रही हैं सो डियर स्टूडेंट ये थी लेसन दिस बोली और इसमें आपने देखा कि ये जो राइटर हैं ये यहाँ पे टिपिकल जो इंडियन सोसाइटी थी आज से तकरीबन 50-60 साल पहले या आज़ादी से पहले तो इस वक्त ये सिचुएशन थी और जो राइटर हैं वो उस वक्त जो कि रही था तो उसी ये सब चीज़ें वो यहाँ पे लिख रहा है और यहाँ पे जो फेमिनिज्म है औरतों के जो हकूक़ हैं कि उनको अपने हकूक दिए जाए जो खासकर जो चाइल्ड मैरिज होती थी या औरतों को पढ़ने के लिए जो मौके नहीं दिए जाते थे या जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो इनके राइटर्स हैं वो नहीं दिए जाते थे तो राइटर यहाँ पे हमें वो चीज़ समझाना चाहता है और यहाँ पे हमने देख लिया कि राइटर सच में एक न्यू रियलिस्टिक हैं समाज की जो हकीकत हैं उसको यहाँ पर वो दर्शाता है उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आई होगी और जो इसका थीम है सेंट्रल आइडिया है वो भी आपने जो इसमें से इम्बायब किया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और लेसन समझ आई हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियोज़ को शेयर करिए लाइक करिए अपनी व्यू दें यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू